हरे कृष्णा। भगवान को प्रिय इस समय कार्तिक मास चल रहा है, दामोदर मास, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की सुंदर उखुल बंधन लीला हुई थी और इसी कारण से इस मास को दामोदर मास के भी नाम से जाना जाता है। ये मास मनुष्य के लिए आध्यात्मिक साधना के लिए तो सर्वश्रेष्ठ है ही, लेकिन इस मास में सबसे अधिक व्रत, पर्व और त्योहार भी आते हैं जो हमारे जीवन को आनंद और उल्लास से भर देते हैं, हमारे भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं। और इसीलिए सभी 12 मासों में ये कार्तिक मास सबसे विशेष, सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामाजिक दृष्टि से भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण त्योहार वाला महीना है। और अगर आध्यात्मिक चेतना की दृष्टि से देखा जाए तो भी तपस्या करने के लिए, दान देने के लिए और भगवान श्री हरि की अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए इससे अच्छा और सुवर्ण समय वर्ष में कभी नहीं मिलता है। तो ये 30 दिन का समय हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है और इसलिए इसका हमें अत्यंत सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए और इस समय का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि इस समय में किया गया कोई भी धार्मिक आध्यात्मिक कार्य मनुष्य को 1000 गुना अधिक फल प्रदान करता है। चाहे वो भगवान को एक तुलसी पत्र अर्पित किया जाए या फिर उनके नाम का एक माला का जप किया जाए। इस मास में भगवान श्री हरि की पौराणिक कथाओं के श्रवण का भी अत्यधिक महत्व है और इसीलिए हम इस मास में आप सबके लिए प्रतिदिन पौराणिक ग्रंथों से प्रमाणभूत कथाएं आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और आज की हमारी इस कार्तिक महात्म्य कथा श्रृंखला की कड़ी में भी कुछ ऐसी ही बातें हम करने वाले हैं। आज हम आपको एक विशेष पौराणिक कथा सुनाएंगे। जिस प्रकार इस श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना कि किस प्रकार महाविष्णु और सदाशिव के अवतार श्री अद्वैत आचार्य ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी करुण पुकार से गोलोक वृंदावन से इस धरातल पर प्रकट होने के लिए विवश कर दिया था, और जब अद्वैत आचार्य ने भगवान शालिग्राम की तुलसी पत्र और गंगा जल से पूजा अर्चना की तो वे स्वयं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस कलयुग की संध्या में प्रकट हुए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत करुणामय थे। वे किसी भी प्रकार, जाति, लिंग के भेदभाव रखे बिना सभी को एक समान रूप से भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति का रस प्रदान कर रहे थे। उनके दिव्य नाम संकीर्तन आंदोलन के प्रभाव से असंख्य लोग दिव्य आनंद की लहरों पर तैर रहे थे। और ऐसे समय में बंगाल में गोवर्धन मजूमदार के एक लौते पुत्र जिनका नाम रघुनाथ था, उन्होंने भी अपना घर परिवार, धन, ऐश्वर्य इन सब का त्याग करके श्री जगन्नाथपुरी का आश्रय लिया था, जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों के आश्रय में रहकर वे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने लगे थे। जब रघुनाथ अपना सर्वस्व त्याग करके भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण में आए तो उन्होंने रघुनाथ की जिम्मेदारी स्वरूप दामोदर को सौंपी और तभी से रघुनाथ स्वरूपेर रघु के नाम से जाने गए। रघुनाथ दास के वैराग्यमय आचरण से महाप्रभु सदैव अधिक प्रसन्न रहने लगे थे। अब एक बार क्या हुआ कि वृंदावन से शंकरानंद सरस्वती पुरी आए थे। वे एक सन्यासी थे और अपने साथ एक गोवर्धन शिला और गुंजा माला लेकर आए थे। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को ये दोनों वस्तुएं भेंट कर दी थी। इन असामान्य वस्तुओं को पाकर श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत सुखी हुए थे। वे जप करते समय उस माला को अपने गले में डाल देते और इस बात का वर्णन श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी करते हुए इस प्रकार कहते हैं, गोवर्धन शिला प्रभु हृदय नेत्र धरे, कभु नासा घ्राण लय कभु शिरे करे, नेत्र जले से शिला भीजे निरंतर, शिलार कहे न प्रभु कृष्ण कलेवर, ऐ मत तीन वत्सर सशिला माला थरिला, तुष्ट हया शिला माला रघुनाथे दीला, प्रभु कहे शिला कृष्ण रविग्रह, इहार सेवा कर तुमि करिया ग्रह। अर्थात महाप्रभु सदैव इस शिला को कभी अपने हृदय पर रख लेते तो कभी अपनी आँखों से लगा लेते, कभी वे अपनी नाक से इसे सूंघते और कभी इसे अपने सिर पर रख देते। गोवर्धन पर्वत की ये शिला महाप्रभु के नेत्रों से निकलने वाले अश्रुओं से सदैव भीगी हुई रहती थी और श्री चैतन्य महाप्रभु सदैव कहा करते कि ये शिला साक्षात कृष्ण का शरीर है।
वे उस शिला और माला को 3 वर्षों तक अपने पास रखे रहे। उसके बाद रघुनाथ दास के आचरण से एक दिन भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और महाप्रभु ने इन दोनों वस्तुओं को श्री रघुनाथ दास को अर्पित कर दिया। इस गोवर्धन शिला और गुंजा माला को देते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास से कहा, ये शिला भगवान कृष्ण का दिव्य स्वरूप है, इस शिला की पूजा अत्यंत उत्सुकता से करना। तुम एक आदर्श ब्राह्मण की तरह सत्वगुणी भाव से इस शिला की पूजा करना, क्योंकि ऐसी पूजा से तुम निश्चय ही अविलंब कृष्ण का भावमय प्रेम प्राप्त कर सकोगे। ऐसा कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को इस गोवर्धन शिला की पूजा कैसे करनी चाहिए उसकी विधि बताई और ये विधि सुनाते हुए उन्होंने कहा, एक कुंजा जल आर तुलसी मंजरी, सात्विक सेवा एही शुद्ध भावे करी, दुई दिके दुई पत्र मध्य कोमल मंजरी, एही मत अष्ट मंजरी दिवे श्रद्धा करी, जल तुलसी र सेवा तार जत सुखोदय, षोडशोपचार पूजाय तत सुखनाय। अर्थात इस गोवर्धन शिला की पूजा तुम इस प्रकार करना और इस पूजा के लिए एक लोटा पानी और तुलसी वृक्ष की कुछ मंजरियों की आवश्यकता पड़ती है। अगर पूर्ण शुद्धि के साथ इसे संपन्न किया जाए तो ये सत्वगुणी पूजा है। हे रघुनाथ, तुम्हें चाहिए कि तुम श्रद्धा और प्रेम के साथ तुलसी की 8 कोमल मंजरियाँ उनको भेंट चढ़ाओ और इन 8ों में प्रत्येक ओर 2-2 तुलसी की पत्तियाँ होनी चाहिए। इस प्रकार ये दोनों मूल्यवान वस्तुएं श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को अर्पित कर दी और इस प्रकार स्वयं महाप्रभु के हाथों से इन 2 अमूल्य निधियों को पाकर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने आप को इनकी सेवा में समर्पित कर दिया। अब वे प्रतिदिन अत्यधिक आनंद और हर्ष पूर्वक इनकी सेवा किया करते थे। पूजा के समय वे इस शिला में साक्षात व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के रूप के दर्शन करते और सदैव दिव्य आनंद में मग्न रहते थे। और इस प्रकार मात्र जल और तुलसी देवी को अर्पित करने से ही श्री रघुनाथ दास को जितना दिव्य आनंद मिला उतना 16 प्रकार की पूजा सामग्रियों से अर्चा विग्रह की पूजा करने के बाद भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस उदाहरण के द्वारा वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान को तुष्ट करने का सर्वोत्तम उपाय, सरल विधि और सात्विक सेवा करने का संदेश हमें दे रहे हैं। यदि कोई भी मनुष्य अत्यंत सरल भाव से तुलसी पत्र द्वारा भी भगवान की सेवा अर्चना करता है तो वह व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण को तुरंत ही प्रसन्न कर लेता है। तो ये थी आज की कार्तिक महात्म्य कथा विशेष श्रृंखला में तुलसी देवी के महत्व की चर्चा, जहाँ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी तुलसी देवी की महत्ता को स्थापित करते हैं। तो ये कथा आपको कैसी लगी ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस कथा को अपने मित्रों और परिवारजनों को भी शेयर कर दीजिए। इसी कथा की आने वाली कड़ी को सुनने के लिए याद से अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और हम आपसे मिलेंगे इसी तुलसी कथा श्रृंखला की आने वाली कड़ी के साथ बहुत जल्द। तो आइए अब हम इस पवित्र कार्तिक मास में तुलसी देवी की आरती करते हैं। प्रतिदिन तुलसी देवी की पूजा करते हुए इस तुलसी आरती का स्तवन, पठन और श्रवण करना चाहिए। तो आइए अब हम उसी तुलसी आरती का श्रवण करते हैं। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो राधा कृष्ण सेवा पवो एई अभिलाषी, ये तुमार शरण लो तार वांछ पूर्ण हो, कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी, मोर एई अभिलाष विलास कुंज दियो वास, नयने हरि वो सदा
इस तुलसी आरती का अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ और अनुवाद इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा, हे तुलसी देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकूं। जो कोई भी आपकी शरण लेता है उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। उस पर आप अपनी कृपा बरसाती हैं और उसे वृंदावन वासी बना देती हैं। मेरी एकमात्र यही अभिलाषा है कि आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति दें, जिससे मैं युगल श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का सदैव दर्शन कर सकूं। आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है कि मुझे किसी भी व्रज गोपी की अनुचरी बना दीजिए और सेवा का अधिकार देकर मुझे आपकी निज दासी बनने का अवसर प्रदान कीजिए। अति दीन कृष्ण दास आपसे यही प्रार्थना करता है कि मैं सदा सर्वदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम में डूबा रहूं। इस प्रकार तुलसी आरती करने के बाद अब समय है तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करने का, और इस तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्राणाशन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। इसका अर्थ ये होता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करता है तो उस प्रदक्षिणा के दौरान पद पद पर उसके समस्त ब्रह्म हत्यादि जैसे बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। तो इस प्रकार इस कार्तिक मास में आप तुलसी पूजन और प्रदक्षिणा कर सकते हैं। चलिए अब हम इस पवित्र दामोदर मास यानी कार्तिक मास में तुलसी देवी के स्तोत्र का पाठ करते हैं, जिसकी रचना श्री पुंडरीक दास द्वारा की गई है। जगत धात्री नमस्तुभ्यम विष्णोश्च प्रियवल्लभे यता ब्रह्मादयो देवः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णु प्रिये शुभे नमो मोक्ष प्रदे देवी नमः संपत् प्रदायिके तुलसी पातु मां नित्यम् सर्वापदभ्योऽपि सर्वदा कीर्तितापि स्मृतावापि पवित्रति मानवम् नमामि शिरसा देवीं तुलसीं वीलसत्तनुं यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्या मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषात् तुलस्या रक्षितं सर्व जगत्ते तुच्चराचरं या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्नरहि नमस्तुलस्य तीतराम्य स्यैबद्धवाञ्जलिं कलौ कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यास्तथा परे तुलस्यानापरं किञ्चित् दैवतं जगतीतले यथा पवित्रितो लोको
विष्णु संगे न वैष्णवः तुलस्यः पल्लवं विष्णुः शिरस्यारोपितं कलौ आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः अतस्तामर्चये लोके सर्वान् देवान् समर्चयन् नमस्तुलसि सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसंपत्प्रदायिके इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेण धीमता विष्णुम् अर्चयता नित्यं शोभनैस्तुलसीदलैः तुलसी श्रीमहालक्ष्मी विद्या विद्या यशस्विनी धर्म्या धर्मानना देवी देवी देव मनः प्रिया लक्ष्मी प्रिय सखी देवी द्यौर्भूमिरचला चला षोडशैतानि नामानि तुलस्या कीर्तयन् नरः लभते सुतरां भक्तिम् अन्ते विष्णुपदं लभेत् तुलसी भूर्महालक्ष्मीः पद्मिनी श्रीहरिप्रिया तुलसी श्रीसखी शुभे पापहारिणि पुण्यदे नमस्ते नारद नूते नारायण मनः प्रिये। आइए अब इस तुलसी स्तोत्र का अनुवाद और भावार्थ समझते हैं। श्रीमती तुलसी देवी ब्रह्मांड की माता और भगवान विष्णु की परम प्रिय संगिनी है, जिनके कारण ब्रह्मा आदि देवता सृजन पालन और संहार के कार्य संपन्न करते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सद्गुणी हैं, कल्याणकारी हैं और भगवान विष्णु को प्रिय हैं। आप धन संपत्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। श्रीमती तुलसी देवी प्रत्येक स्थिति में समस्त विपदाओं से निरंतर मेरी रक्षा करें। आपकी स्तुति और मात्र स्मरण करने से ही लोगों को पवित्र कर देता है। मैं श्रीमती तुलसी देवी को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ, जिनका तेजवान और दमकदार रूप जिसको देखकर पापी नश्वर मनुष्य समस्त दोषों से मुक्त हो जाते हैं। समस्त चर और अचर वस्तुओं सहित इस संपूर्ण जगत की श्रीमती तुलसी देवी रक्षा करती हैं, जिनके केवल दर्शन मात्र से ही पापी व्यक्तियों के पाप पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, आपको सहस्र बार प्रणाम करता हूँ। आपको कलयुग में समस्त स्त्रियाँ वैश्यगण और उनके समान अन्य लोग भी प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर विनम्र प्रणाम करते हैं। इस पृथ्वी पर श्रीमती तुलसी देवी से अधिक दिव्य कुछ भी नहीं है, जिनके द्वारा ये जगत पवित्र हो जाता है, जैसे विष्णु और वैष्णव के संपर्क में आने से होता है। इस कलयुग में जब श्रीमती तुलसी देवी की अंकुरित कली भगवान विष्णु के शीश पर अर्पित की जाती है, तब ये उपासक के शीश पर समग्र आशीर्वाद प्राप्त होने के समान माना जाता है। श्रीमती तुलसी देवी में समस्त देवतागण हर समय वास करते हैं, इसलिए व्यक्ति को इस विश्व में उनकी आराधना करनी ही चाहिए और इस प्रकार से समस्त देवताओं की आराधना स्वतः ही हो जाती है। सर्वज्ञानी और परम पुरुष की अत्यंत प्रिय श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप संपूर्ण धन संपत्ति प्रदान करती हैं। कृपा करके मेरे समस्त पापों से मेरी रक्षा कीजिए। अतः ये प्रार्थना पहले के समय में बुद्धिमान पुंडरीक द्वारा गाई गई है। व्यक्ति को श्रीमती तुलसी देवी की सुंदर पत्तियों को नियमित रूप से अर्पित करते हुए सदैव ही भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। मनुष्य को श्रीमती तुलसी देवी के इन 16 नामों का उच्चारण करना चाहिए। तुलसी, श्री, महालक्ष्मी, विद्या, अविद्या, यशस्विनी, धर्मया,
धर्मानना वृंदा देवी देव मनः प्रिया लक्ष्मी प्रिय सखी देवी द्यौ भूमि अचला और चला। वह और अधिक निष्ठा और भक्ति प्राप्त करता है और अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। श्रीमती तुलसी देवी भूमि महालक्ष्मी पद्मिनी तथा श्री हरि प्रिया के नाम से भी जानी जाती हैं। मैं श्रीमती तुलसी देवी को बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप श्रीमती लक्ष्मी देवी की अत्यंत प्रिय मित्र, शुभ चिंतक, पापों को हरने वाली, आध्यात्मिक गुणों को प्रदान करने वाली, नारद मुनि द्वारा प्रशंसनीय और भगवान श्री नारायण के मन की प्रिया हैं। इस प्रकार प्रतिदिन इस कार्तिक मास में इस तुलसी स्तोत्र का पठन और श्रवण करना अत्यंत पुण्यशाली माना गया है। तो आइए इस परम मंगलमय कार्तिक मास में अब हम तुलसी अष्टकम का पाठ करते हैं। इस अष्टकम का वर्णन हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। एक समय जब तुलसी देवी भगवान से रुष्ट होकर अंतर्धान हो गई थी, उस समय भगवान उनके विरह में आतुर होकर वृंदावन चले गए और उन्होंने वहां पर तुलसी देवी की पूजा और स्तुति की। और उस समय उन्होंने जिस मंत्र और स्तोत्र की रचना की थी वो स्तोत्र इस प्रकार है। श्री भगवान उवाच वृन्दारूपाश्च वृक्षाश्च यदैकत्र भवन्ति च विदुर्बोधास्तेन वृन्दां मत्प्रियां तां भजाम्यहम् पुरा बभूव या देवी त्वादौ वृन्दावने वने तेन वृन्दावनी ख्याता सौभाग्यां तं भजाम्यहम् असंख्येषु च विश्वेषु पूजिताया निरन्तरं तेन विश्वपूजिताख्यां जगत्पूज्यां भजाम्यहम् असंख्यानि च विश्वानि पवित्राणि यया सदा तां विश्वपावनीं देवीं वीरहेण स्मराम्यहम् देवान् तुष्टः पुष्पाणां समूहेन यया विना तां पुष्पसारां शुद्धां च द्रष्टुमिच्छामि शोकतः विश्वे यत्प्राप्तिमात्रेण भक्तानन्दो भवेत् ध्रुवम् नन्दिनी तेन विख्याता सा प्रीता भवता धीमे यस्या देव्यास्तुला नास्ति विश्वेषु निखिलेषु च तुलसी तेन विख्यातां यामी शरणं प्रियां कृष्णजीवनरूपाया शश्वत्प्रियतमा सती तेन कृष्ण जीवनीति मम रक्षतु जीवनम् मम रक्षतु जीवनम्। आइए अब हम इस तुलसी अष्टकम का अर्थ जानते हैं। श्री भगवान ने कहा, जब वृंदा रूप वृक्ष एकत्र होते हैं तब वृक्ष समुदाय अथवा वन को बुध जन वृंदा कहते हैं। ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया तुलसी की मैं उपासना करता हूँ। जो देवी प्राचीन काल में वृंदावन में प्रकट हुई थी, अतएव जिसे वृंदावनी कहते हैं, उस सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ। जो असंख्य वृक्षों में निरंतर पूजा प्राप्त करती हैं, अतः जिनका नाम विश्व पूजिता पड़ा है, उस जगत पूज्या देवी की मैं उपासना करता हूँ। हे देवी, जिसने सदा अनंत विश्वों को पवित्र किया है, उस विश्व पावनी देवी का मैं विरह से आतुर होकर स्मरण करता हूँ। जिसके बिना अन्य पुष्प समूहों के अर्पण करने पर देवता प्रसन्न नहीं होते, ऐसी पुष्प सारा पुष्पों में सार भूता शुद्ध स्वरूपिणी तुलसी देवी का मैं शोक से व्याकुल होकर दर्शन करना चाहता हूँ। संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र से भक्त परम आनंदित हो जाता है, इसलिए नंदिनी नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, वे भगवती तुलसी देवी अब मुझ पर प्रसन्न हो जाए। जिस देवी की अखिल विश्व में कहीं तुलना नहीं है, अतएव जो तुलसी कहलाती है, उस अपनी प्रिया की मैं शरण ग्रहण कर रहा हूँ। वह साध्वी तुलसी वृंदा रूप से
भगवान श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा हैं और उनकी सदा प्रियतमा होने से कृष्ण जीवनी नाम से विख्यात है। वो देवी तुलसी मेरे जीवन की रक्षा करें। इस अष्टकम की रचना स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि यह कितना पुण्य प्रदायक और मंगलकारी है। और इस कार्तिक मास में इसका प्रतिदिन पठन या श्रवण करने से मनुष्य के पूर्व जन्मों के सभी पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, लेकिन उसे वृंदा देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और कहा जाता है कि भगवान के धाम यानी गोलोक वृंदावन में यदि प्रवेश करना है तो श्रीमती तुलसी देवी की आज्ञा के बिना वो संभव नहीं हो सकता। इसलिए श्रीमती तुलसी देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस कार्तिक मास में प्रतिदिन इस अष्टकम पाठ का श्रवण या पठन करना चाहिए। हरे कृष्णा।